हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम तब्रेज़ अख्तर। दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 115। हेयर you can see in this blue box the percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air। ठीक है, तो अब जो इनहेल की जाती है हवा और एक्सहेल की जाती है हवा हमारे नॉस्ट्रिल से, ये हमारे नाक से अंदर जाती है, जो बाहर आती है, अब उसमें परसेंटेज देखते हैं कि क्या परसेंटेज बन रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इनहेल्ड एयर की बात करें तो इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। समझ में आ रही है बात? कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04% जो हम अंदर लेते हैं, जो हवा हम अंदर लेते हैं, और जो हम बाहर छोड़ते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो चेंज हो रहा है। हम जो 0.04% कार्बन ले रहे हैं, लेकिन जब हम छोड़ रहे हैं बाहर तो 4.4% कार्बन छोड़ रहे हैं। यानी हमारी बॉडी से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है और ये एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन जो है वो उसका परसेंट कम हो रहा है। इसका मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, 10.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब अदर एनिमल्स यानी बाकी के एनिमल्स में ब्रीदिंग के बारे में यानी सांस लेने के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउस, गोट, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग की तरह गोट में, फ्रॉग में, लिजर्ड में, स्नेक में, बर्ड में और एलिफेंट में, लायन में, काउ में, ये सारे एनिमल्स हैं जिनके पास लंग्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास होते हैं वैसे उनके पास होते हैं और फिर वो प्रोसेस भी होती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीद? तो उसके अलावा बाकी के ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीद करते हैं? ठीक है, यानी कैसे सांस लेते हैं, अब ये बताइए। ठीक है, तो डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन? तो ह्यूमन की तरह क्या बाकी के ऑर्गेनिज्म के पास भी लंग होते हैं, यानी लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं, क्या सबके पास होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बाकी के ऑर्गेनिज्म जिनके पास लंग्स नहीं होते तो उनका जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, क्या होती, कैसी होती है। कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। तो उसके बॉडी के साइड में छोटी छोटी ओपनिंग होती है कॉकरोच के। ठीक है, अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। और उसके अलावा भी कुछ इंसेक्ट्स और होते हैं, और भी इंसेक्ट होते हैं जिनके बॉडी में साइड में ओपनिंग होती है। ठीक है, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरेकल्स। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग होती है स्पायरेकल्स कहलाती है। 10.9 फिगर में हम देख सकते हैं, ये 10.9 फिगर जो है यहाँ। ठीक है, तो साइड में जो होल हैं वो आपको दिख जाएंगे, आपकी बुक में ही दिख जाएंगे। यहाँ पे साइड में कुछ होल दिख रहे हैं। ठीक है, और अब आते हैं, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, अब उनके पास एक नेटवर्क ट्यूब होती है। यानी अब एक बात बताइए आप, जब कोई एयर है, जब कोई एयर है वो इन अंदर ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, या उनकी बॉडी जो है वो सक कर रही है, खींच रही है, तो अब उस एयर को और भी बॉडी पार्ट्स तक जाने में कुछ तो चाहिए। तो अब वो ट्यूब के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है? एक ट्यूब के थ्रू जाती है। तो उस ट्यूब को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, जो कि ये देखिए आप, ये कॉकरोच के पूरी बॉडी में जो अंदर की तरफ जो है बिछा हुआ है, ये है, ये है, ये है, और ये ऊपर की तरफ है, फिर ऐसा है,
पूरा ट्यूब बिछा हुआ है। इस ट्यूब के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है, यानी अंदर जाने वाली गैस और बाहर छोड़ने वाली गैस इस ट्यूब के थ्रू ही होती है। डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो इस पाइप के थ्रू टिश्यू तक पहुंचती है और उसके बाद टिश्यू के बाद सारी सेल तक पहुंचती है बॉडी के। अब सेल क्या होती है? सेल जो होती है वो सबसे छोटा से छोटा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिससे कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। नहीं ऐसा नहीं, सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, तो यही सेल कहलाता है। ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, सो एवरी गैस, सॉरी, ये जो गैसेस हैं जो अब ट्यूब के थ्रू जा रही है टिश्यू में, टिश्यू के थ्रू जा रही है हमारी सेल में, तो हमारी सेल में जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ऐसे पूरी होती है। ये मैं उन इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ जिनके पास लंग्स नहीं होते, उनके बॉडी में कुछ होल्स होते हैं साइड साइड में, उस होल्स के थ्रू जो है एयर इंटर होती है और फिर उसके बाद पाइप लगे होते हैं जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं। वो भी पाइप जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में जाके उस गैस को, यानी उस हवा को जो हमने जो इस इंसेक्ट ने बाहर से ली है उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद उसकी ऑर्गन जो है अंदर के वो फंक्शन करते हैं। ठीक है। अब आते हैं अर्थवॉर्म की तरफ। रिकॉल द चैप्टर 9। चैप्टर 9 के बारे में आप याद कीजिए इन योर ऑफ योर क्लास 6, दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन्स। तो क्लास 6 में अर्थवॉर्म के बारे में आपने स्टडी किया हुआ होगा। तो उसमें क्या होता है कि वो अर्थवॉर्म जो होते हैं जो ब्रीथ करते हैं तो वो अपनी स्किन के थ्रू करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। अगर आप उसको टच करते हैं उसकी स्किन को तो वो थोड़ा सा मॉइस्ट यानी थोड़ा नमी टाइप की लगती है और बहुत चिकनी टाइप की लगती है। ठीक है। गैसेस कैन ईजली पास थ्रू देम। ठीक है। तो ये बहुत पतली स्लिमी होती है जिसकी वजह से इतनी पतली झिल्ली की तरह कि उससे गैसेस पास हो जाती हैं। एंड थ्रो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक अ ह्यूमन बींग, दे कैन ऑल्सो ब्रीद थ्रो देयर स्किन। तो फ्रॉग्स के पास हालांकि लंग्स होते हैं जैसे कि लंग्स हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि वो भी, उनकी स्किन भी जो है वो गैस एक्सचेंज कर सकती हैं। ठीक है। विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, ये फ्रॉग्स की बात हो रही। ठीक है। नाउ 10.6 ब्रीदिंग अंडर वाटर। पानी के अंदर कैसे हम सांस, सॉरी हम नहीं, जो भी एनिमल्स हैं अंडर वाटर लिविंग एनिमल्स, तो वो कैसे उनका बॉडी पार्ट काम करता है। ठीक है। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या पानी के अंदर हम रह सकते हैं क्या? देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव वाटर विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहते हैं, अब वो कैसे जिंदा रहते हैं? यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो गिल्स यूज़ करते हैं फिश जो होती हैं अंडर वाटर या इन वाटर, जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनके पास गिल्स होते हैं, जो कि हमने चैप्टर 6 के में भी इस गिल्स वर्ड का नाम पढ़ा है। और इस गिल्स का काम क्या होता है कि जो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस पानी से ऑक्सीजन को लेना। ठीक है। ठीक है। एंड गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। जो गिल्स होती है, ठीक है, वो जो है तो बाहरी स्किन के साथ अटैच होती है। ठीक है। और आप ये सोच के ताज्जुब में आ जाओगे, यानी एक वंडर रहेगा आपके लिए कि कैसे वो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करती हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो गिल्स जो होती हैं उसमें
ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती रहती हैं। ठीक है, सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उससे कनेक्टेड रहती हैं, जिसकी वजह से वो गैस जो होती है वो एक्सचेंज गिल्स जो होते हैं वो जो गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पानी से, तो वो एक्सचेंज कर देते हैं ब्लड वेसल के साथ। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट, अच्छा अब ये डायग्राम के थ्रू आप ये देखिए कि ये जो है ये जो पार्ट है ये पार्ट होता है गिल्स कहलाता है। ठीक है, तो ये गिल्स आपको बाहर से नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ये बना हुआ होता है, यानी एक तरह से यहाँ पे आपका ढका हुआ है ये इस ऊपर बाहर की स्किन जो है एक इतना हिस्सा ये हटा के दिखाया जा रहा है कि ये गिल्स है। वैसे और ऐसे जनरली विजिबल नहीं होता, क्योंकि ये एक ऊपर के ऊपर से एक स्किन जो होती है स्कल जो होता है वो इसको ढाक के रखता है। ठीक है, और यहाँ से ढका हुआ होता है और फिर अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर जो कुछ इस टाइप का है जो दिख रहा है ये गिल्स होते हैं। ठीक है, अब डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? अब प्लांट्स के बारे में क्या, अगर बात करें तो क्या वो भी रिस्पायर करते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न्ड इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि प्लांट भी सर्वाइवल के लिए रिस्पायर करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो बाकी के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो सेल होती है वो ऑक्सीजन का यूज़ करती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, ये हमने पढ़ा है शायद, ठीक है, इसी चैप्टर में या फिर इससे पहले। तो ऑक्सीजन क्या करती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, यानी तोड़ती है। किस में तोड़ देती है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देती है और वाटर में तोड़ देती है, जैसे कि बाकी ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, लेकिन इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि ईच पार्ट यानी जितने पार्ट होते हैं वो पार्ट सारे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली लेते हैं, यानी उसका दूसरे पार्ट से कोई मतलब नहीं, वो खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने लीव्स में जो होल्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में कि वो स्टोमेटा होता है और इससे गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। तो जैसे कि बाकी प्लांट के पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही रूट को भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए। ठीक है, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल। ठीक है, तो रूट्स को हवा लेने के लिए सॉइल में कुछ गैपिंग होती है। ठीक है, सॉइल में छोटे पोर्स होते हैं जो पोर्स से उसको ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है अगर पोरस ज़मीन होती है तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन पहुँच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सॉइल पार्टिकल्स रूट हेयर एंड एयर स्पेस। देखिए, तो ये कुछ एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि कैसे रूट तक पहुँच रहा है ऑक्सीजन। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ये आपको, ये आप समझ लीजिए सॉइल के पार्टिकल्स है। ये बहुत ही इतना क्लोज डायग्राम है कि आपको ये सॉइल के पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये रूट है, ये रूट है। ठीक है, समझ लीजिए रूट हेयर है, रूट जड़ें जो है ना बिखरी हुई होती है ना। अब इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो जगह बच रही है जो येलो कलर में कलर्ड है, तो ये एयर स्पेस है। अब जब एयर स्पेस है तो यानी इसमें एयर है, और एयर है इसमें तो ऑक्सीजन है, और इसके थ्रू ये जो रूट है वो आपका ऑक्सीजन ले रही है। ठीक है, तो ये हमने प्लांट में
देखा कि ऑक्सीजन की नीड होती है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेज नंबर 117। थैंक यू।